हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन विद किरण। और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको हमारी ये नई शानदार बाइक। ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसका नाम है रिवोल्ट RV 400। जी हाँ, ये आज ही शोरूम से आई थी तो मैंने इसकी वीडियो निकाली है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी बैटरी कहाँ लगती है। जब भी आई तो मुझे भी लगा कि बैटरी कहाँ लगती होगी, तो ये गाड़ी की डिग्गी में यहाँ पे बैटरी लगती है और बैटरी हर रोज चार्ज करनी पड़ती है। मैं आपको दिखा देती हूँ बैटरी कैसी दिखती है और कैसी चार्ज होती है। और ये जो आज आप आवाज़ सुन रहे होंगे ना जूम की, ये इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है ताकि ये बैटरी ज़्यादा गर्म ना हो। इसको कहीं पे भी आप लगा के चार्ज कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और अपने आप उसके बाद ऑफ हो जाती है। एक बार फुल बैटरी चार्ज हो जाती है तो 120 किलोमीटर आराम से चलती है, लेकिन आपको रोज़ ही चार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आप बाइक रोज़ ही चलाएंगे। ये शानदार इलेक्ट्रिक बाइक उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, खासकर फीमेल्स के लिए, क्योंकि ये बाइक दिखती है लेकिन ये बिल्कुल स्कूटी की तरह चलती है। जी हाँ, इसमें गियर का कोई सीन नहीं है, यानी कि आपको गियर की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हाथों का काम है, स्कूटी की तरह चलती है। और जो बाइक की शौकीन महिलाएं हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इस बाइक की प्राइस मनी है लगभग 1,20,000 रुपये, यानी कि आप कैश में लेते हैं तो 1,20 तक आपको पड़ेगी, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो 1,40 तक चली जाती है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कैसे लेनी है। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि बाइक के बीच में मैंने ये मंदिर की फ़ोटोज़ और वीडियो क्यों डाली है। तो नेक्स्ट डे ही शिवरात्रि थी तो हम गए थे सोमेश्वरनाथ मंदिर। आपको अगर याद होगा तो मेरी पहली वीडियो जो थी वो सोमेश्वरनाथ मंदिर पे ही थी। वहाँ पे बहुत काम चल रहा था उस समय, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हम जब गए थे तो वहाँ पे काम पूरा हो चुका था। तो मुझे लगा कि छोटी सी एक क्लिप डाल देनी चाहिए। तो ये है वो छोटी सी क्लिप। ये छोटे छोटे मंदिर जो आप देख रहे होंगे, पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो पूरा काम अधूरा था। उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बन क्या रहा है, लेकिन अब जब हमने देखा तो पता चला कि ये 12 ज्योतिर्लिंग डिज़ाइन किए गए हैं। पूरे सोमेश्वरनाथ मंदिर से लेके घुसमेश्वर तक के 12 ज्योतिर्लिंगों का यहाँ पे दर्शन कराया गया है। बहुत अच्छे सुंदर लग रहे थे और अभी इन पे पेंट वेंट सब हो चुका है तो बहुत अच्छे दिख रहे थे। यानी कि छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत आकर्षक हैं। हम बाहरी रूप से देख सकते हैं कि बाहरी रूप से ये 12 ज्योतिर्लिंग कैसे दिखते हैं। अब तक 3 ज्योतिर्लिंग तो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन बाकी मैंने नहीं देखे थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा देख के। तो ये थी छोटी सी क्लिप जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये क्या है, उस समय समझ में नहीं आ रहा था। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगी। तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। फिर मिलूँगी आपको बहुत जल्द दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।